देखिए कितने क्रंची बने हैं। नमस्कार, निर्मल स्मार्ट किचन में मैं निर्मल सिंगला आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी एक क्रंची स्नैक ब्रेड रोल। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए बनाना शुरू करते हैं। चार उबले हुए आलू, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अदरक, हरी मिर्च, एक प्याज कटा हुआ बारीक और 8 ब्रेड स्लाइस। अब चाकू से ब्रेड के किनारों को काट लेते हैं। यहाँ मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। सभी ब्रेड को इसी तरह काट लें। आलू को मैशर से मैश कर लें, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। आलू को मैश कर लिया है, अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, कटा हुआ धनिया, वन टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, वन टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह हाथों से मिला लें। थोड़ा मिश्रण लें, हल्के हाथों से दबाकर आप इसे ओवल तथा गोल शेप में बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह के रोल बनाकर दिखाऊंगी। एक बाउल में थोड़ा पानी लें, ब्रेड स्लाइस को पानी में हल्का सा डिप करें और हथेली पर रख कर इसका सारा पानी निचोड़ दें, दबा दबा कर सारा पानी निचोड़ दें। अब एक रोल लें, उसको सेंटर में रख कर चारों कोनों से आराम से रैप करें और हल्के हाथों से ओवल शेप में बनाएं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपके रोल टूट सकते हैं, घबराएं नहीं, दोबारा कोशिश करें। इसी तरह सारे स्लाइस के ऐसे ही रोल बना लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें,
और ब्रेड रोल करना स्टार्ट करें। कढ़ाई में जितने ब्रेड रोल आते हों उतने ही डालें, नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे। ब्रेड रोल्स को मीडियम गैस पर ही फ्राई करें और गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। बीच बीच में पलटते रहें। अब रोल गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लें। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इसे आप बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करे तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। अब इसी तरह आप सभी ब्रेड रोल्स को तल लें। आप ब्रेड के किनारों को और ऊपर नीचे वाले हिस्से को एक अच्छा यूज कर सकते हैं। ब्रेड को टुकड़ों में तोड़ लें और मिक्सी जार में डाल दें और पीस लें। इनको ग्राइंड कर लें। आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर 3 दिन के लिए फ्रिज में और 1 महीने तक फ्रीजर में रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का लाल बटन दबाना ना भूलें। कॉमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी।